स्वयं शिक्षा मंत्री हूं, अपराधी हूंगा, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आप कम से कम इन 10 सालों से इन जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है इनकी जितनी परीक्षाएं हुई है उनके परीक्षा के रिजल्ट के साथ आप एक टीम लगा करके इनका पोस्टमार्टम करो, तब आपको समझ में आ जाए कि ये बीमारी कहां से चली है। ये बीमारी इन व्यवसायियों के थ्रू चली है। मैं और आप पेपर आउट करेंगे, पेपर लाऊंगा, 5 लाख दे दूंगा, 8 लाख दे दूंगा, मैं क्या 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ दे सकता हूं क्या भैया? ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन, ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते तो यहां करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे, बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा जो बड़ी मुश्किल से पड़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पड़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पड़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना, जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया, रात और दिन पड़ता है, भूखा प्यासा पड़ता है, घर बेच करके पड़ता है, खेत बेच करके पड़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया, इस कानून से कुछ भी नहीं होगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया इसको लगाने वाला दोषी कौन है? केवल इसके लिए